भारतीय रिजर्व बैंक ने जैसे ही यस बैंक पर कार्रवाई की बात की और बैंक से पैसे निकालने की सीमा 50,000 रुपए कर दी, वैसे ही यस बैंक के ग्राहकों में अफरा तफरी मच गई। लोगों में अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को लेकर डर पैदा हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के आश्वासन के बाद भी जनता परेशान रही। इसी बीच यस बैंक को परेशानी से उबारने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सामने आ गया और आज एक बड़ा ऐलान कर दिया। आर्थिक सुस्ती की चपेट में आए बैंकिंग सेक्टर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। नकदी की कमी बैंकों को परेशान कर रही है। इनमें से एक है यस बैंक, जो काफी वक्त से नकदी की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन जब बैंक डूबने की कगार पर आया तो भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार की नींद खुली और RBI ने बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राहकों की परेशानी बढ़ा दी। ग्राहकों को अपने पैसों पर पानी फिरता नजर आने लगा। इन सब के बीच आज देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा ऐलान कर दिया। जी हाँ, यस बैंक की परेशानी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि कानूनी प्रावधानों के मुताबिक SBI यस बैंक के 49% शेयर खरीद सकती है। आज सुबह मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में SBI चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि SBI यस बैंक में 2,450 करोड़ रुपए का निवेश कर सकता है। रजनीश ने कहा कि हमारी लीगल टीम निवेश की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि हमने स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया है कि SBI यस बैंक में 49% हिस्सेदारी खरीदने पर विचार कर रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि निवेश पर अंतिम फैसला SBI का बोर्ड ही करेगा। रजनीश कुमार ने कहा कि यस बैंक के खाताधारकों पर कोई खतरा नहीं है, कुछ दिनों की बात है, खाताधारकों की परेशानी दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग SBI में निवेश करना चाहते हैं उसके लिए ये एक मौका है। रजनीश कुमार ने कहा कि उनकी कोशिश है कि निवेश योजना को रिजर्व बैंक की समय सीमा से पहले ही पास करा लिया जाए। रजनीश कुमार ने SBI की निवेश योजना को विस्तार से बताते हुए कहा कि निवेश प्लान पर विचार करने के लिए हम 9 मार्च को फिर से रिजर्व बैंक के पास जाएंगे। वहीं SBI के इस ऐलान से पहले कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी सब कुछ सही होने का आश्वासन यस बैंक के ग्राहकों को दिया था, लेकिन देखना ये होगा कि सरकार और SBI का आश्वासन जनता को कितनी राहत दे पाता है। BB लाइव की रिपोर्ट।